आइए नजर डालते हैं दिल्ली से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों पर। 46 साल बाद फिर लंदन के लिए दौड़ेंगी बसें। कीजिए 70 दिनों में 18 देशों की सैर। 15 लाख के पैकेज में सफर का टिकट, वीजा और सुविधा सरी की सभी सेवाएं शामिल। जल्द शुरू होगी कोवैक्सीन व कोबरी वैक्सीन की ट्रायल प्रक्रिया, दोनों टीके हैं स्वदेशी। तेज हवा के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार, अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस। आम जनता के लिए 12 फरवरी से 6 मार्च तक खुलेगा मुगल गार्डन, प्रत्येक स्लॉट में 100 लोगों की प्रवेश की अनुमति। दिल्ली दंगा मामले में अदालत ने शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। शादी समारोह में हुआ विवाद, झगड़ा सुलझाने गई चचेरी बहन को भाई ने मार दी गोली। बचपन की दोस्ती पर भारी पड़ा एक तरफा प्यार, पति ने दोस्त को मारी गोली। पत्नी के साथ मिलकर दफनाया दोस्त का शव। यात्रियों के लिए जल्द शुरू होगा नई दिल्ली स्टेशन का स्काई वॉक, रेलवे स्टेशन और मेट्रो लाइन है कनेक्ट, मंगू सिंह ने किया निरीक्षण। विदेशी सिगरेट के लिए युवक को किया अगवा, 2 लाख फिरौती मांगने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल समेत 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली में यातायात पुलिस का सब इंस्पेक्टर 22,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। यह थी दिल्ली से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। ऐसी खबरें जानने के लिए तेज़तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें।